तो दोस्तों आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं ये बोट एडस 501 और ये ANC के साथ आते हैं। इसका जो कीमत है आपको 2500 देखने मिलेगा। तो इसी प्राइस पॉइंट में ये TWS आपके लिए कैसे रहेगा ये तो मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप जो भी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं मैं खुद से परचेज करता हूँ और आपके लिए ऑन स्टूडियो लेकर आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लें इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि अभी के टाइम पे लेटेस्ट है। IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, तो अगर नॉर्मल वाटर स्प्लैश हो या फिर स्वेट वगैरह अगर आपको ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। टोटल 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको यहाँ पे केस में देखने को मिलेगा। विदाउट ANC ये 5.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम देंगे आपको ईयरबड्स में। अगर आप ANC का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 4.5 का यहाँ पे बैकअप देखने को मिलेगा इसके जो ईयरबड्स में। यहाँ पे 8mm का ड्राइवर यूज़ किया गया है, तो साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलेगा उसका एक मैं आपको छोटा सा डेमो दे दूंगा और जो फाइनल वर्डिक्ट में ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये एक्चुअल में साउंड कैसे करते हैं। कॉलिंग के रिलेटेड यहाँ पे डुअल माइक्रोफोन का यूज़ किया गया है और ये ENX टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर मीटिंग वगैरह के इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे कॉलिंग परफॉर्मेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा उसका छोटा सा भी डेमो है, जिसके वजह से आप आइडिया कर सकते हैं आपके लिए कॉलिंग के लिए सही रहेगा या नहीं। गेमिंग परफॉर्मेंस के रिलेटेड यहाँ पे एक्चुअली आपको बीस्ट मोड देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको लो लेटेंसी देखने को मिलेगा। गेमिंग भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको करके दिखाएंगे लेटेंसी आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। सो ये है बॉक्स पैकेजिंग इस न्यू एडस 501 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ ये आते हैं और यहाँ पे इस बार टैगलाइन रखा है कि नॉइज जस्ट कट डिसमेंटल्ड। तो पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फीचर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ANC के रिलेटेड, उसके बाद इनका जो इंस्टेंट वेक पे टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड लिखा गया है। प्लेबैक टाइम आपको कितना देखने को मिलता है यहाँ पे ये मेंशनड है और यहाँ पे एक्चुअली आपको Type-C का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक्चुअली आपको बीस्ट मोड देखने को मिलता है गेमिंग के लिए और आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड यहाँ पे जो एम्बिएंट साउंड करके यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे 5 मिनट में एक्चुअली आपको 60 मिनट का फास्ट चार्जिंग और IPX4 के साथ आते हैं। 8mm का ड्राइवर, लेटेस्ट 5.2 का यहाँ पे ब्लूटूथ आपको मिल जाता है और यहाँ पे डुअल माइक्रोफोन और ENX नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और यहाँ पे आपको एक इंस्टेंट रिसेट बटन भी देखने को मिलता है। सीरी हो या फिर गूगल असिस्टेंट हो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये था आउटर पैकेज डिटेल्स। तो अभी जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका जो बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको यहाँ रीड मी बिफोर यूज़ करके एक लीफलेट देखने को मिलता है, जहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो यही सेम चीज़ आपको हिंदी में भी लिख के देखने को मिलेगा और यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी आपको देखने को मिल जाता है, जिसका या क्यूआर के मदद से या फिर आप देख सकते हैं एक नंबर है उसके मदद से आप इसको रजिस्टर कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो FAQ कार्ड देने लगे हैं जिसके मदद से अभी TWS में कोई भी अगर आपको इश्यू आता है तो यहाँ पे कुछ FAQ कार्ड के मदद से आप इसको रिजल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको ये जो नॉर्मल कैटलॉग्स वगैरह रहते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स के आपको एक मिल जाता है और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है जहाँ पे आपको इस TWS कैसे इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे सारा चीज़ मेंशनड है। इसको फेंकना नहीं यार, बहुत यूज़फुल होगा, कभी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आगे मैं आपको बता दूंगा इसके बटन फंक्शंस। और यहाँ पे आपको एक बोट का स्टिकर भी देखने को मिलेगा। केबल में आपको यहाँ पे Type-C का यहाँ पे केबल देखने को मिल जाएगा, आपको Type-C का देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप इसको फास्ट चार्जिंग भी कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ ईयर टिप्स आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं दो साइज़ का इधर है और ऑलरेडी एक आपको इस TWS में लगा मिलेगा। और इसका जो क्वालिटी है इस बार मुझे काफ़ी ये सॉफ्ट लगे, नॉर्मल जो बोर्ड के टिप से एक्चुअली ये ज़्यादा आपको सॉफ्ट देखने को मिलता है। और ये जो आप बॉक्स देख सकते हैं इसका थोड़ा सा बल्की लगा, ओवरऑल आप देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप का ये लग रहा है, डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बल्की लगा है। आप देख सकते हैं Type-C का पोर्ट आपको पीछे की तरफ और इस साइड आपको एक कुछ डिटेल्स देखने को मिलता है जहाँ पे इनपुट DC 5V 2A का कुछ मेंशनड है। और यहाँ पे जैसे देखिए रिसेट बटन आपको देखने को मिलेगा और LED लाइट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, देखो ओपन करने पे आपको इस तरह से ये ऑन हो जाते हैं। और ये ईयरबड्स अगर आपको दिखाऊँ तो इस ईयरबड्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कुछ दो पिन हैं जिसको अगर आप देखेंगे, इसको मैं अगर कनेक्ट करके रखता हूँ ये मैग्नेटिकली काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड है तो इजीली नहीं गिरते और लीड भी इसका भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है।
अगर आपको ये जो ईयरबड्स के डिज़ाइन देखा हो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन ये देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऊपर आपको बोट के यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक ये वेयर डिटेक्शन वाला यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। दोनों साइड रहते थे तो ज़्यादा बेटर होता था, लेकिन ईयर टिप्स एक्चुअली आपको काफ़ी यहाँ पे सॉफ्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन कुछ इस तरह से इस बार बना गया है, जिसकी वजह से आप इजीली इसको बॉक्स के अंदर से निकाल सकते हैं, और कानों में लगाने के बाद ईयर से निकालने के टाइम ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ईयरबड्स की वजन के बारे में बोलूँ तो ये मुझे काफ़ी लाइट वेट लगे, तो जल्दी से इसको अभी कैसे कनेक्ट करना है ये फ़ोन से आपको मैं बता देता हूँ। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस लीड को ऐसे ओपन करना है, उसके बाद अपने फ़ोन में अगर ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल 501 ANC करके आ गया, आपको इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे शो कर लेता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे इस लीड को इस तरह से अगर मैं बंद करता हूँ तो थोड़ी ही देर पे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाते हैं, और दोबारा इस तरह से ओपन करता हूँ तो थोड़ी देर पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे AAC तक का हाई क्वालिटी कोडेक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके टच फंक्शन में बताऊँ तो अगर आप कोई भी ईयरबड को ऐसे सिंगल बार प्रेस करेंगे तो ये प्ले या फिर पॉज के काम करते हैं। राइट वाले ईयरबड को अगर दो बार टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, लेफ्ट वाले अगर आप दो बार टैप करेंगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग के लिए काम करते हैं। और गूगल असिस्टेंट को वेक करने के लिए जो लेफ्ट वाले ईयरबड को आपको 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट यहाँ पे या फिर सीरी यहाँ पे वेक हो जाता है। और राइट ईयरबड का अगर आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो पहले ये ANC मोड के लिए एनेबल होते हैं, फिर और एक बार 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये एम्बियंट मोड के लिए एनेबल होते हैं। अगर आप फिर से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो बीस्ट मोड, और अगर फिर से अगर आप और एक बार 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो आप नॉर्मल मोड के लिए स्विच हो जाते हैं। कॉल आंसर करने के लिए आप कोई भी ईयरबड को सिंगल बार अगर प्रेस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, और बात हो जाने के बाद अगर दो बार टैप करेंगे कोई भी ईयरबड को तो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको फ़ोन रिसीव नहीं करना है तो आपको फिर से दो बार टैप करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके जो म्यूजिक कॉल क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे है उसका टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे IGTV में चेक कर सकते हैं। अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी बोट AirDots 501 से मिल रहा है। यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का यूज किया गया है। मेरा जो फैन है मैं मीडियम स्पीड पे रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी TWS का यूज करके किसी को कॉल करते हैं जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। तो फाइनली बात करते हैं इस पर्टिकुलर TWS के बारे में, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा कॉन देखने को मिला है जो कि आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली राइट साइड के जो ईयरबड है, जब मैं इसको ANC मोड के साथ ऑन रखता हूँ उसी टाइम अगर मैं कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं करता हूँ या फिर किसी को कॉल भी नहीं करता हूँ तो उसी टाइम में एक हिसिंग टाइप का साउंड आता है जो कि कानों में एक वाइब्रेशन टाइप का फील कराते हैं, और ये बहुत ही इरिटेटिंग है। अगर आपको ये चीज़ भी अगर सेम चीज़ मैं आपको जो इशू बताया ये आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बता देना, या फिर हो सकता है कि मेरे ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जो कि मैं
आगे रिप्लेस भी करूँगा और चेक भी करूँगा, लेकिन अगर ये सबके लिए रहेगा तो ये बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है आगे। और ये तो था पहला कौन है, जो दूसरा है कि इसका जो अगर आप देखेंगे जो डिज़ाइन है, जिसके वजह से आप इसको पॉकेट में नहीं लेके जा सकते। मतलब देखो यही सेम चीज़ को थोड़ा सा आप इसको पतला करके इसे चौड़ा कर देते तो ये पॉकेटेबल हो जाता था, लेकिन ऐसे बॉक्स टाइप का डिज़ाइन करने की वजह से अभी इसको आप पॉकेट में नहीं ले जा सकते। हो सकता है डेस्क पे इसे रखेंगे तो ये मतलब दिखने में एक अच्छा डेकोरेटिव आइटम हो सकता है, लेकिन पॉकेट में ले जाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। और जो थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे एक्चुअली जो वेयर डिटेक्शन है ये आपको सिर्फ राइट साइड में देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में देखने को नहीं मिलेगा। आई नो कि आपका काम तो हो जाएगा, मतलब राइट वाला निकालेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड रहते थे तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होते थे। अभी बात करें इसके जो म्यूजिक क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी आपको क्वालिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन बेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। मतलब इसी प्राइस पॉइंट में अगर मैं बोलूँगा इसके बोट के जो दूसरे प्रोडक्ट है वहाँ पे एक्चुअली आपको बेस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बेस थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी बुरा नहीं है, बेस लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बस आपको जो मैंने साइज़ का इशू बताया कि ये थोड़ा सा बल्की लगा। और कॉलिंग के रिलेटेड आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो आपको ANC के साथ आते हैं और यहाँ पे ENX टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, लेकिन उसके हिसाब से जो कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए वो यहाँ पे मुझे इतना नज़र नहीं आया, नॉर्मल ही लगा, जो कि बाकी के जो बोट के प्रोडक्ट में रहते थे उसके जैसा लगा। थोड़ा सा मुझे इको टाइप का इस बार ये बोट वाले जो इस पर्टिकुलर TWS मुझे कॉलिंग का लगा था। और यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस का आपको बताऊँ तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस लेके आपको अच्छा देखने को मिलता है, मतलब लेटेंसी इतना देखने को नहीं मिलता। अगर गेमिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं ये आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि 2500 के हिसाब से अगर जो प्रॉब्लम मैं आपको शुरू में बताया वो अगर सब में रहेगा तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, कॉलिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था और यहाँ पे जो म्यूजिक क्वालिटी भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था। तो इसी टाइम में मैं बोलूँगा कि इसका जो प्राइसिंग है 2500 रुपीज़ के हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि इसको मतलब पूरा पूरा कम्पीट कर सकते हैं। जल्दी से इसका जो कंपैरिजन वीडियो तो हम लेके आएंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ भी डाउट हो पर्टिकुलर इस TWS के रिलेटेड आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम में चैनल है जहाँ पे हम यूजफुल प्रोडक्ट के लिंक डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल मिले। मेरे साथ इस वीडियो में बना रहने का शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।